हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको विंडोज 11 आपके सिस्टम पर चाहिए विदाउट एनी वेट, तो आप इनमें से एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं न्यू पीसी के साथ। जैसे कि मैं MI नोटबुक अल्ट्रा यूज़ कर रहा हूँ, उस पर एक ये फ्री अपग्रेड है। जैसा कि मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया है कि विंडोज़ 11 सबके लिए एक साथ रिलीज़ नहीं होगा। सबसे आसान तरीका विंडोज़ 11 अपडेट को पाने का है कि आप सेटिंग्स में जाएं, अपडेट एंड सिक्योरिटी में विंडोज़ अपडेट पर क्लिक करें और चेक फॉर अपडेट्स। इफ़ इट इज़ अवेलेबल यू विल सी फीचर अपडेट फॉर विंडोज़ 11। आपको सिंपली डाउनलोड एंड इंस्टॉल पर क्लिक करना है और दैट्स इट, आपका विंडोज़ 11 में अपग्रेड हो जाएगा। लेकिन मैंने जैसे आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बोला है कि सबको एक साथ विंडोज़ 11 इस तरीके से नहीं मिलेगा। जिसके थ्रू आप विंडोज़ 11 पा सकते हैं वो है यू कैन यूज़ विंडोज़ 11 डाउनलोड असिस्टेंट। उसके लिए आपको सिंपली microsoft.com पर जाना है। उसके लिए आप सिंपली गूगल पर जाइए और गूगल पर विंडोज़ 11 असिस्टेंट लिखिए। आपको मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट लिंक microsoft.com का ही मिलेगा। आपको उसी ऑफिशियल साइट पर ही जाना है। आप microsoft.com स्ट्रेट अवे खोल कर भी उस पर ये ढूंढ सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेगा, इसलिए सिंपलेस्ट वे आप गूगल यूज़ करिए। इस पर जाने के बाद आप विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन असिस्टेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा इसका बेस्ट ऑप्शन है कि आप ISO फाइल डाउनलोड कर लो। ये भी आपको microsoft.com पर उसी पेज पर मिलेगी जिस पर कि विंडोज़ 11 इंस्टॉलेशन असिस्टेंट। सिंपली डाउनलोड करिए, बूटेबल फ्लैश ड्राइव या DVD जो भी आप चाहें वो बनाएं और इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आप बूटेबल USB ड्राइव या DVD ड्राइव नहीं भी बनाना चाहते हैं, तो आप इजीली ISO फाइल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं थ्रू WinZip, 7-Zip, बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं सॉफ्टवेयर्स के। एक्सट्रैक्ट करते ही आपको इंस्टॉलेशन की फाइल्स भी उसमें दिखाई देंगी विद अदर फाइल्स। एक और ऑप्शन जो मैंने पहले एक अपने वीडियो में शेयर किया था, विच इज़ टू ज्वाइन विंडोज़ इनसाइडर प्रोग्राम। अगर आप ये ज्वाइन करते हो तो माइक्रोसॉफ्ट से रिलीज जो भी बीटा का लेटेस्ट वर्जन होगा वो आपको मिलेगा। ये एडवांटेज है, लेकिन साथ में ये डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि ये लेटेस्ट बीटा वर्जन होता है तो आपको बग्स के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने एक बार ज्वाइन कर लिया तो आप इसमें से एग्जिट नहीं मार सकते। जब चाहें आप इसको लीव कर सकते हैं टू गेट बैक टू योर स्टेबल वर्जन। सो दैट्स इट, इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। कोई क्वेरी, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। चैनल को सब्सक्राइब करने का बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलता हूँ बहुत जल्द अपने एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।